हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर साइंस क्लासेस। सो जो हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे उसका नाम था एनिमल फॉर्म्स एंड फंक्शन। इस चैप्टर में हमने आपको स्केलेटल सिस्टम के बारे में बताया था और जितने भी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम होते हैं उसमें कितने बोन्स होती हैं उस सब के बारे में हमने डिस्क्राइब कर दिया था। सो आज का जो टॉपिक है मस्कुलर सिस्टम, जो पार्ट थ्री वीडियो में हम आपको समझाएंगे, इसके बारे में हम चलिए पढ़ते हैं और आप इसे अच्छे से पढ़ते रहिए, कंटिन्यू रीडिंग करते रहिएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मस्कुलर सिस्टम। लेट्स स्टार्ट। मोर देन 600 स्केलेटन मसल्स मूव योर स्केलेटन एंड ऑर्गेन्स, हीट अप योर बॉडी एंड कीप यू अपराइट। इसमें कह रहे हैं कि जो हमारे शरीर में 600 से ज़्यादा स्केलेटन मसल्स होती हैं, यानी मांसपेशियाँ होती हैं, ठीक है, तो वे क्या करते हैं कि हमारे पूरे कंकाल को, मतलब कंकाल तंत्र जो होता है और जो जिसमें इतने जो अंग होते हैं हमारे शरीर में, जितने अंग होते हैं, तो इसको ये क्या करते हैं, मसल्स क्या करती हैं, इसको गर्म बनाए रहती हैं हमारी बॉडी को, और इसी से हम सीधे चलते रहते हैं, कहीं भी मूवमेंट करते रहते हैं। ये मतलब ये कितनी होती हैं, 600 से ज़्यादा होती हैं जो मांसपेशियाँ होती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, तो इसी के कारण हम मूवमेंट भी करते रहते हैं। मसल्स इज़ अ मेड अप ऑफ बंडल ऑफ फाइबर्स क्लिंज्ड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें कह रहे हैं जो मसल्स किससे बनी होती हैं, ये फाइबर का एक बंडल होता है, ठीक है, गट्ठर होता है, जो कि एक दूसरे से क्या करती हैं, जुड़ी रहती हैं, जितने भी टिश्यूज़ होते हैं उससे एक साथ से जुड़ी रहते हैं। क्लिंज्ड मीन्स होता है जड़ना, मतलब जुड़े रहना, तो ये एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। मसल्स इसी से बनती हैं, फाइबर के बंडल से बनती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मसल्स नीड टू मूव दे वीकन एंड स्ट्रेवल व्हेन दे कैन नॉट। तो कह रहे हैं इसमें जो मसल्स होती हैं जो मूव करती हैं, उनको मूव करने की नीड होती है, तो वे क्या करती हैं, वो जब उनको उनको मूवमेंट करना रहता है तो वो क्या होती है, थोड़ा सा वीक हो जाती है, मतलब अपने आप को ढीला कर लेती हैं, और फिर जब उनको नीड नहीं रहती है तो वो अपने आप को सिकोड़ लेती हैं, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी है, हम अगर उसको चलाना जैसे भी चाहेंगे तो ढीला करेंगे, तभी तो वो मसल्स काम करेंगे, ठीक है, तो जब उनको नहीं ज़रूरत होती है तो वो क्या स्ट्रेवल मीन्स होता है सिकुड़ जाना, ठीक है, तो वो सिकुड़ जाती हैं। नेक्स्ट है, व्हेन यू मूव मसल्स कंट्रैक्ट अराउंड योर जॉइंट्स रिजल्टिंग इन एक्टिविटी ऑफ दोज जॉइंट्स सच एज बेंडिंग एंड एल्बो। तो कह रहे हैं जब आप इसे मूव करते हैं, मतलब इसे जब हिलाते हैं, अपने हाथों को पैरों को कई मूवमेंट कराते हैं, तो मसल्स क्या होती हैं, जितने जो जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हड्डियों का जुड़ाव होता है, तो वो चारों तरफ सिकुड़ जाती हैं, कंट्रैक्ट होता है, वो कंट्रैक्ट होती हैं, मतलब वो सिकुड़ने लगती हैं, मांसपेशियाँ सिकुड़ती हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि इसमें जब हम अपने हैंड को जब फोल्ड करते हैं, मोड़ते हैं या झुकाते हैं, अपने शरीर को कहीं भी झुकाते हैं, ठीक है, तो ये क्या करती हैं, सिकुड़ती हैं। ये था इसमें। नेक्स्ट है, मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स बाय हार्ड कॉर्ड कॉल्ड टेंडन्स। तो मसल्स जो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं एक डोरी से, यानी हार्ड कॉर्ड होता है, मतलब बहुत ही मजबूत डोरी होती है, मतलब उसमें मसल्स की ही होती है, तो उसी से क्या होती है, बोन्स के जो पतली सी डोरी रहती है उसी से जुड़े रहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उनको टेंडन्स कहते हैं, मतलब अगर हम बहुत इजी लैंग्वेज में कहें तो इसको पट्टा कहते हैं, ठीक है, टेंडन्स इसको कहते हैं, मतलब हार्ड कॉर्ड से जुड़ी रहती हैं, जो मसल से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। द मसल्स मूव द बोन्स बाई दियर पुल, दिस कैन नॉट बी पुल्स। तो मसल्स जब मूव करती हैं तो वो बोन्स में जब मूव करती हैं तो वो खींचती हैं, ठीक है, अपने आप को खींचती हैं जो मसल्स होती हैं, ठीक है, और ये कह रहे हैं इनको धकेला नहीं जा सकता, मतलब ये एक जगह पे सिचुएटेड रहती है। मसल्स अगर हमारे हैंड, आप इसमें डायग्राम में देखिए, इस ये जो हैंड दिख रहा है, ठीक है, तो ये मसल एक ही जगह पे क्या है, सिचुएटेड है, मतलब एक ही जगह पे स्थिर है, इनको कहीं से हटाया नहीं जा सकता है, ये यहाँ से इस रिप्लेस पर नहीं आ सकते हैं, ठीक है, तो इसके कहने का ये मतलब था, इनको पुश्ड नहीं किया जाता, इनको धकेला नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें, फॉर एग्जाम्पल अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ योर आर्म एंड कंट्रोल्ड बाई टू मसल। तो इसमें ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने जो हैंड है तो उसको अगर आप मूवमेंट कराते हैं, ठीक है, तो या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, या अप एंड डाउन उसको मूवमेंट करा सकते हैं, और ये कंट्रोल किससे किए जाते हैं, दो मसल्स से ही कंट्रोल होते हैं। इसमें कह रहे हैं दो जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, वो किससे होती हैं, मतलब
इनका नाम है बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। बाइसेप्स में क्या होता है, दो 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 मसल्स होती हैं, और ट्राइसेप्स में तीन मसल्स होती हैं, ठीक है। तो इनको हिंदी में अगर कहें तो द्विसरपेशी कहते हैं, और ट्राइसेप्स में होता है त्रिशक कहते हैं, त्रिशपेशी कहते हैं। When you want to raise your arm, जब अपने आप को, जब अपने हैंड को आप रेज करते हैं, उठाते हैं, ऊपर उठाते हैं, the biceps in front contract, तो क्या करती हैं, जो biceps जो muscles होती है वो front से वो contract होती हैं, मतलब वो सिकुड़ती हैं, सामने से वो सिकुड़ने लगती हैं, that is they become shorter and fatter to pull up the arm। तो इसी के कारण भी क्या होती है, छोटी हो जाती है, become shorter, छोटी हो जाती है, and fatter to पुल अप द वॉल, इसी कारण वो चिपट जाती हैं, और हमारा जो जो आर्म्स है, मतलब हमारी जो भुजाएं हैं वो खींचती हैं, ठीक है, छोटी हो जाती हैं फिर खींचती हैं, मतलब फैटर मीन्स होता है चिपट जाना, मतलब चपटी हो जाती हैं। टू लोअर द आर्म द ट्राइसेप्स एट बैक कंट्रैक्ट एंड पुल इट डाउन, ऐसे ही जब निचला जो हमारा भुजाओं का जो निचला हिस्सा होता है उसमें ट्राइसेप्स काम करती हैं, उसमें तीन पेशी काम करती है, तो ये पीछे से सिकुड़ती हैं और इसी तरह ये नीचे से खींचती हैं। ये था मस्कुलर सिस्टम में। अगर इसमें आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट है इसमें लोकोमोशन इन एनिमल्स। अब इसमें कह रहे हैं जितने भी जानवर होते हैं उनमें गति कैसे होती है, चाल कैसी होती है, चलन हरकत कैसे करते हैं। तो इनके जैसे हमारे अंदर तो मांसपेशियाँ हैं, ठीक है, ये जैसे वर्क करेंगी वैसे ही हमारी बॉडी भी मूवमेंट करती है। तो ऐसे ही से ऐसे प्रोसेस इसमें एनिमल में होता है कि ये कैसे मूवमेंट करेंगी, यानी इनका चाल या हरकत ये कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मूव करते हैं, मतलब वो गति करते रहते हैं। द मूवमेंट में अगर इन द होल बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ इट, तो इसमें कह रहे हैं ये मूवमेंट कर सकते हैं अपनी पूरी बॉडी का, जो इनकी पूरी बॉडी होती है उनमें पूरी तरह से मूवमेंट भी हो सकता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो पूरी तरह से मूवमेंट करेगा, और या तो उसका मतलब बॉडी का अगर एक ही पार्ट है तो वो पूरी तरह से काम करेगा, या तो पूरी बॉडी काम करेगी, ठीक है। तो इसमें ये था द मूवमेंट ऑफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बॉडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन। तो ये कह रहे हैं एक कोई जीव है, ठीक है, कोई जीव का जो जब गति करता है तो उसका शारीरिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब वो जाता है, चलन होता है, यानी वो जब गति करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब वो गति करता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको लोकोमोशन कहते हैं, यानी चलन या हरकत या गति कहते हैं। लोकोमोशन इन्वॉल्व्स द होल बॉडी एज इन वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग एंड फ्लाइंग। तो लोकोमोशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, ये हमारी पूरी बॉडी में होता है, पूरी बॉडी में जैसे हम लोग वॉक करते हैं, रन करते हैं, स्विमिंग करते हैं, फ्लाइंग करते हैं, ठीक है। तो ये सब इसमें किसमें आता है, लोकोमोशन में आता है। तो लोकोमोशन में हम लोग भी आ गए, ठीक है, हम लोग भी क्या हैं, ऑर्गेनिज्म ही हैं कोई भी। तो इसी तरह ये बता रहे हैं कि ऐसे ही लोकोमोशन होता है। तो इसमें चलिए एनिमल्स में बताते हैं क्या है। लोकोमोशन हेल्प्स एनिमल्स, इसमें हेल्प कैसे करता है, टू मूव फ्रॉम अनफेवरेबल प्लेस टू ए फेवरेबल प्लेस। तो ये कह रहे हैं कि जो इनका जो बहुत प्रतिकूल जो प्लेस होगा, मतलब अनुकूल और प्रतिकूल जो प्लेस होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी जा सकते हैं। उनको जो स्थान अच्छा नहीं लगेगा तो एक वो जगह को छोड़ के अपनी जगह पे चले जाएंगे। अभी जैसे हम ही लोग हैं, हमारा घर हमें अच्छा लगता है, हमें कोई और दूसरी जगह पे बैठा दे या किसी और के घर पे बैठा दे तो उतना हम कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएंगे, तो हमें अपने घर ही अच्छा लगेगा, है ना। तो सेम वही कह रहे हैं कि वो अपने फेवरेबल प्लेस पर ही मूवमेंट करते रहते हैं, मतलब आते जाते रहते हैं। नेक्स्ट है टू फाइंड दियर फूड एंड शेल्टर, वे क्या करते हैं, अपना भोजन और अपना आश्रय को वो खोजते हैं। टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम दियर एनिमीज, और अपने आप को शत्रुओं से सुरक्षा भी करते हैं। टू फाइंड सुटेबल प्लेस फॉर रिप्रोडक्शन, और ऐसे स्थान को वो खोजते हैं जहाँ पे उनका रिप्रोडक्शन हो सके, मतलब वो प्रजनन के लिए स्थान भी वो खोजते हैं।
A change in the position of any part of body with respect to its axis is called a movement. इसमें movement क्या कह रहे हैं, जब अपने axis के जब वो संबंध में with respect के संबंध में शरीर के किसी भी हिस्से की स्थिति में जब बदलाव होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे movement कहते हैं, यानी गति कहते हैं. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट ऑफ मूवमेंट एंड लोकोमोशन. जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें अलग अलग तरह का गति होता है और लोकोमोशन होता है, यानी गति या चाल या हरकत, ये दो अलग अलग तरह से होते हैं. या तो कोई छोटे जीव होंगे, बड़े जीव होंगे, ठीक है, तो उनमें अलग अलग तरह से वे गति करते हैं. द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मूव इन डिफरेंट वेज फ्रॉम द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर जो एक कोशिकीय होते हैं, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी जो बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनसे इनका जो मूवमेंट रहता है वो बहुत ही डिफरेंट रहता है, मतलब अलग तरह से ये मूवमेंट करते हैं. यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर से डिफरेंट वे मूवमेंट करते हैं. मल्टीसेलुलर में होता है कि बहुत सारी कोशिकाओं वाले, जैसे हम किस में हैं, मल्टीसेलुलर में है. यूनिसेलुलर में केवल एक कोशिका जिसके अंदर होती है. अमीबा मूव्स विद द हेल्प ऑफ पिसिडोपोडिया फॉस्फेट लाइक प्रोजेक्शन. तो अमीबा क्या है, अमीबा ये यूनिसेलुलर है जो कि ये किसकी सहायता से मूवमेंट करता है, ये पिसिडोपोडिया होता है, मतलब ये जेली लाइक होते हैं, मतलब इसमें कह सकते हैं कि जो अमीबा होता है ये जेली लाइक होते हैं, जेली टाइप में होते हैं. जैसे हमारे तो हाथ पैर होते हैं तो हम लोग किसी तरह से मूवमेंट कर लेते हैं, तो इनमें पादाब होते हैं, मतलब पिसिडोपोडिया में होता है पादाब होते हैं. तो ये जहाँ जहाँ ऐसे फैलते चले जाते हैं, ठीक है, ये जैसे ये लिक्विड है या जेली है तो ऐसे जहाँ पे गिरा दिया थोड़ी दूर पे और जाएंगे, ठीक है. तो ये इनके अंदर बस ये है कि इनके अंदर जान होती है तो ये अपने आप को मूवमेंट कराते हैं, ठीक है. तो इसी के साथ ऐसे ये अमीबा मूव करते हैं. दीज पिसिपोडिया आर जस्ट साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट. तो पिसिपोडिया क्या होता है, वही बताया कि जेली लाइक इनका पैर होता है, ठीक है. तो इस तरह से अपना जिस भी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं अपने आप को मूवमेंट करते हैं और अपना ये विस्तार करते चले जाते हैं, अपने आप को बढ़ाते हुए चले जाते हैं. दिस एक्सटेंशन आल्सो असिस्ट अमीबा इन प्रोकरिंग फूड. तो कह रहे हैं जब इनका ऐसे ही विस्तार होता है यानी वृद्धि होती है तो ये अपना जो भोजन की प्रक्रिया होती है उसी की सहायता से ये बनाते हुए चले जाते हैं. नेक्स्ट है युग्लेना. युग्लेना लेना क्या होता है, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मूव्स विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक फ्लेजला एज सोन इन द फिगर. तो इसमें कह रहे हैं कि युग्लेना भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है. ये भी किसकी सहायता से मूव करता है कि इसके पास भी एक थ्रेड होता है. आप इसमें डायग्राम भी देखिए, इसमें आप डायग्राम भी देखिए कि ये जो ग्रीन कलर में है तो इसके पीछे वाले भाग से एक डोरी निकली हुई है, ऐसे देखिए. तो यही कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है, एक लॉन्ग थ्रेड होता है, यानी इसके पास एक डोरी होती है इसके पूंछ पर, ठीक है. तो इससे क्या होता है, ये इससे ही ये मूव करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये जाते हैं. नेक्स्ट है सिमिलर अनदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैरामीशियम हैज स्पेशलाइज्ड हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया ऑल ओवर द बॉडी दैट हेल्प इन मूवमेंट. दिस इज शोन इन द फिगर. तो सेम इसी तरह जैसे युग्लेना होता है उसी तरह पैरामीशियम भी होता है, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है. तो इसका जो शेप होता है यानी इसका जो आकृति आकार होता है, ठीक है, तो इसके जैसे स्लीपर होता है, ठीक है, स्लीपर जो हम लोग घरों में पहनते हैं, इसका जो शेप है वो स्लीपर की तरह है. आप इसमें डायग्राम देखिए, पर्पल कलर का दिख रहा है. तो इसके चारों तरफ जो इसकी बाउंड्री है, ठीक है, तो इसके छोटे छोटे हेयर्स निकले रहते हैं, मतलब रोए रहते हैं. तो पलकें जिसको कहते हैं, इसी की सहायता से ये
एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये जाते हैं, मतलब ये पूरी अपनी बॉडी को मूव करते हैं। तो ये आप इसको डायग्राम में देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे हेयर्स दिख रहे हैं इसमें, तो इसी तरह ये अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें, एनिमल्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंट ऑफ बैकबोन। तो एनिमल्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक होते हैं कि जिनके पास बैकबोन होती है, एक जिनके पास बैकबोन नहीं होती है, मतलब कि रीढ़ की हड्डी जिसके पास होती है, जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। द एनिमल्स दैट हैव ए बैकबोन कम अंडर द ग्रुप वर्टिब्रेट्स, वेयर एज द एनिमल्स दैट डू नॉट हैव अ बैकबोन आर ग्रुप्ड अंडर द ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। तो ये कह रहे हैं जिस एनिमल के पास में बैकबोन होती है, ठीक है, बैकबोन का समूह होता है, तो उनको हम जो इस समूह में आते हैं, मतलब जो बैकबोन के समूह में आएंगे जो जीव, तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं, यानी कशेरुक कहते हैं। जबकि जो जानवर जिनके पास बैकबोन नहीं होती है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं, यानी अकशेरुकी कहते हैं। इनवर्टिब्रेट्स लोकोमोशन एंड लिम्स मूवमेंट आर कैरीड आउट बाय मसल्स इन एसोसिएशन विद द स्केलेटन सिस्टम। तो वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, जो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो लोकोमोशन और जो लिम्स मूवमेंट होता है, यानी जो गति होती है, जो अंग का मूवमेंट होता है, जितने भी हमारे अंदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वे क्या करते हैं, वो स्केलेटन सिस्टम के साथ में, यानी तंत्रिका तंत्र के संगत में आप जो मसल्स होती हैं वो कार्य करती हैं, जिसके कारण ही हमारे जो अंग होते हैं वे चलते फिरते हैं, और उसी तरह से हमारी पूरी बॉडी गति करती है या मूवमेंट करती है। एसोसिएशन का मतलब है यहाँ पे संगति, ठीक है, या उसी के साथ में। मसल्स कंट्रैक्शन जनरेट्स फोर्स दैट इज यूटिलाइज्ड टू मूव बोन्स इन द स्केलेटन। तो इसमें ये कह रहे हैं जो मसल्स होती हैं जो वर्टिब्रेट्स में, इनकी मसल्स क्या होती हैं, जनरेट यानी जब सिकुड़ती हैं, जो उनकी मांसपेशियाँ होंगी जब वो सिकुड़ती हैं, कंट्रैक्ट होती हैं, तो एक फोर्स जनरेट करती हैं, मतलब एक दाब, ठीक है, या बल जो कह रहे हैं फोर्स, तो उसको ये बनाती हैं, फोर्स जनरेट करती हैं, जिसका उपयोग क्या करते हैं, जो स्केलेटन सिस्टम में जो बॉडी है, यानी जो कंकाल में हमारा जो बोन्स है, ठीक है, जो हड्डी है वो मूव करती है, उसी फोर्स के जरिए ही जो हमारे स्केलेटन में जो बोन्स होती हैं वो मूव करती हैं। यूटिलाइज्ड मीन्स होता है उपयोग करना। दिस रिजल्ट्स इन मूवमेंट, तो इसका रिजल्ट यही मिलता है कि इसी के कारण पूरी बॉडी मूव करती है, यानी गति करती है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक, या किसी भी चीज़ को उठाना है, रखना है, इधर से उधर ले जाना है, तो इसी के कारण ही होता है। नेक्स्ट है इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है, मतलब अकशेरुकी में क्या होते हैं ये एनिमल्स या ये ऑर्गेनिज्म में क्या होता है। इनवर्टिब्रेट्स बॉडीज आर डिवॉइड ऑफ ए स्केलेटन बट सम एनिमल्स पोजेसेस मसल्स फॉर दियर मूवमेंट्स। तो डिवॉइड ऑफ मीन्स होता है मतलब रहित या विहीन। तो इसमें कह रहे हैं कि इनके अंदर मतलब कंकाल तंत्र जो होता है, तो उनके पास ये नहीं होता, बैकबोन नहीं होता है। जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं वे केवल अपने मसल्स के द्वारा ही अपने शरीर को वो मूवमेंट करते हैं, अपने मूवमेंट कराते हैं, अपने शरीर को ही वो गति प्रदान करते हैं। तो इसमें ये कह रहे हैं कि ये स्केलेटन इनके अंदर रहता ही नहीं है, ठीक है, मतलब वही कह रहे हैं कंकाल तंत्र से ये विहीन होते हैं, इनकी जो शरीर होता है। इन हाइड्रा द बॉडी हैज़ टू टाइप ऑफ कंट्रास्टल सेल। और जो हाइड्रा होता है ये एक जीव है, तो ये पानी में पाया जाता है, तो ये इनवर्टिब्रेट्स होता है ये, ठीक है, ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि इसके पास दो प्रकार की सेल्स होती हैं, ठीक है। कॉन्ट्रास्टल सेल मतलब होता है कि सिकुड़ने वाली कोशिका होती है, दो प्रकार की होती है।
processes of these cell run in the body wall both along the central body cavity and along axis of body. तो जब ये अपने cell को किसी भी प्रक्रिया में लगाते हैं, मतलब यही दो टाइप की जो सेल होती हैं, क्या होता है इन्हीं दोनों सेल से जो इनकी शरीर भित्ति होती है, यानी शरीर के अंदर शरीर का इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी के जो वॉल होती है, इससे या तो अपने अपने बॉडी को या तो बहुत ही लंबा कर लेते हैं और या तो बहुत ही सिकोड़ लेते हैं, बहुत ही छोटा कर लेते हैं. तो यही कॉन्ट्रास्टल सेल होती हैं जिसके कारण ये अपने बॉडी को या तो लंबा करेंगे या तो बहुत ही छोटा कर लेते हैं. ठीक है. कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ दी सेल शॉर्टन एंड इलोंगेट रिस्पेक्टिवली दियर बॉडी पार्ट्स. तो वही कह रहे हैं इसमें कि सिकोड़ना और इनको विश्राम की अवस्था में जो ये सेल काम करती हैं वही है कि या तो छोटा कर देंगी या तो इनके जो शरीर का जो पार्ट्स होगा उसको लंबा कर देते हैं. एज अ रिजल्ट हाइड्रा कैन परफॉर्म ऑल सॉर्ट्स ऑफ मूवमेंट्स इंक्लूडिंग इलोंगेशन एंड शॉर्टनिंग ऑफ बॉडी समरसॉल्टिंग एंड लूपिंग. तो इसमें क्या हाइड्रा कैसे परफॉर्म करता है कि कैसे कर सकता है ये पूरी बॉडी का जो मूवमेंट होगा इसमें क्या शामिल होता है, या तो ये इलोंगेशन होगा या तो शॉर्टनिंग, या तो अपनी बॉडी को बहुत ही लंबा कर लेता है या तो बहुत ही छोटा कर देता है. तो इसके अंदर कलाबाजी बहुत होती है. ठीक है. समरसॉल्टिंग मीन्स होता है कलाबाजी. ठीक है. तो इसमें ये था इन्वर्टिब्रेट्स में. नेक्स्ट है इनिलिट्स. इनिलिट्स सच एज अर्थ वॉर्म एंड लीच मूवमेंट इज मेड पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मसल्स फाइबर. इनिलिट्स जैसे कि ये जमीन के अंदर जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े होते हैं, और या तो लीच. ठीक है. ये कह रहे हैं कि ये मसल फाइबर इनके अंदर क्या होती है, मांसपेशियों का एक फाइबर होता है जिसके प्रेजेंस में ये अपने आप को मूवमेंट करते हैं, यानी गति प्रदान करते हैं, अपने आप को गतिशील रखते हैं. ठीक है. इनके अंदर क्या होता है, इनके मसल फाइबर होता है. ये भी क्या होते हैं, ये इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं. ठीक है. इनके अंदर क्या नहीं होता, इनके अंदर बैकबोन नहीं होता है. द मसल्स फाइबर आर अरेंज्ड अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी एज वेल एज सर्कुलेटरी अराउंड द बॉडी. तो मसल्स फाइबर इनके अंदर होती है जिसकी ये इस तरह से इसको अरेंज करते हैं कि अपने इनको अगर थोड़ा सा भी टच किया जाए तो ये अपने आप को राउंड शेप में बना लेते हैं. ठीक है. अपनी बॉडी को इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब सर्कुलेटरी राउंड. खासकर आप देखते होंगे कि बरसात के मौसम में ही ज़्यादा दिखते हैं, तो अगर आप इसको टच करेंगे तो सिकुड़ जाएंगे, पूरी तरह से गोला बना लेते हैं. ठीक है. तो इसी तरह अपने बॉडी को राउंड शेप भी दे देते हैं. द मस्कुलर मूवमेंट कॉजेज दियर फूड टू बी पोज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट. हाँ. तो इसमें कह रहे हैं जो इनकी मांसपेशियों का गति होती है, तो जिसके कारण ये क्या करते हैं कि ब्लड इनके अंदर इसमें कह रहे हैं कि जो द मस्कुलर मूवमेंट कॉजेज दियर ब्लड टू बी पुश्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट दस कॉजिंग द एनिमल टू मूव. इनके अंदर मस्कुलर इस तरह मूवमेंट करते हैं जिसके कारण जो ब्लड होता है वो ढकेलता है जिस डायरेक्शन में ये जाते हैं, उसी तरह इनको ब्लड जो इनके अंदर जो ब्लड होगा इनका, ठीक है, उसी डायरेक्शन में इनको ढकेलेगा और उसी दिशा में ये आगे बढ़ते चले जाते हैं. ठीक है. आप देखते होंगे ये ऊपर उठते हैं फिर नीचे उठते हैं उसी डायरेक्शन में. ठीक है. तो इसी तरह इसमें बताया गया है. अगर नहीं अगर आपको क्लियर होगा तो आप मुझे बताएगा, हम फिर से इसको समझाएंगे. नेक्स्ट है इसमें द मूवमेंट ऑफ बोथ लीच एंड अर्थ वर्म आर सोन इन द फिगर. तो लीच और जो जमीन के अंदर जो कीड़े रहते हैं ये दोनों का फिगर इसमें दिखाया गया है कि ये इसी तरह मूवमेंट करते हैं जब ब्लड इनके अंदर का, मतलब शरीर के अंदर जब ब्लड इनको अंदर से ढकेलता है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, ठीक है, ढकेलेगा तो इनकी डायरेक्शन जिस दिशा में ये आगे बढ़ रहे हैं तो उसी दिशा में ही मूवमेंट करते हैं.
ऐसे जीव जो होते हैं। नेक्स्ट है इसमें, इन एनिमल्स सच एज क्रैब्स एंड इंसेक्ट एंड एक्सोस्केलेटन इन प्रेजेंट इन द बॉडी कंप्राइजिंग ऑफ होलो ट्यूब्स एंड फ्लैट प्लेट्स। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जैसे केकड़ा, और कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जिनके जिनके पास क्या होता है कि जो बॉडी होती है, उनका बॉडी तो रहती है लेकिन इनका जो कंकाल होता है वो बाहर की तरफ होता है, मतलब इनको एक्सोस्केलेटन कहते हैं, बाहरी कंकाल, क्योंकि इनका जो कंकाल तंत्र है वो बाहर की तरफ होता है। और अंदर में इनका बॉडी में क्या होता है, ये पूरी अंदर तरह से खोखले होते हैं, और इसमें हॉलो ट्यूब्स होती है, मतलब खोखली ट्यूब्स होती है, और फ्लैट प्लेट्स होती हैं जो कि कंप्राइजिंग यानी इनके अंदर शामिल होते हैं, इनके शरीर के अंदर में समावेश रहते हैं। ठीक है, एक्सोस्केलेटन यानी बाहरी कंकाल होता है, बाहर की तरफ कंकाल। द मसल्स इनसाइड द बॉडी आर अटैच टू दिस एक्सोस्केलेटन फैसिलेटिंग द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो इनके अंदर जो मसल्स होती है वो बॉडी के अंदर रहती है, जो कि किससे अटैच रहती है, वो एक्सोस्केलेटन से अटैच्ड रहती है, और जिसके कारण ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी को सुविधाजनक बना लेते हैं, और उसी तरह से ये अपने आप को गतिशील बनाए रखते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। सेवरल इंसेक्ट हैव विंग्स अटैच टू दियर बॉडीज। और इसमें कह रहे हैं कि कुछ ऐसे ही जीव होते हैं या कीड़े होते हैं जिनके पास उनके शरीर से जुड़े हुए पंख होते हैं। द मसल्स ज्वाइन टू द एक्सो स्केल्टन कंट्रोल द विंग्स मूवमेंट। तो ये मसल्स इनके एक्सोस्केलेटन से यानी बहिकंकाल से जुड़ी रहती हैं, और जिसके कारण ये जब इनके पंख होते हैं, जैसे उनको मूवमेंट करना है तो उनको कंट्रोल यानी नियंत्रित रखते हैं कि ये किस दिशा में इनको मूवमेंट करना है, किस दिशा में नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ बटरफ्लाई। तो ऐसे ही है, इसमें तितली का एग्ज़ाम्पल इसमें दिया गया है कि ये किस तरह से अपने आप को मूवमेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, द वर्टिब्रेट्स कंसिस्ट ऑफ फिश, मैमल्स, लिजर्ड, बर्ड्स, फ्रॉग एट्सेट्रा। तो वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से होते हैं, कंसिस्ट मीन्स होते हैं, तो इसमें फिश है, मैमल्स, लिजर्ड, बर्ड्स, फ्रॉग्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें हाँ, तो इसमें इतने सारे एग्जांपल हैं जो वर्टिब्रेट्स होते हैं। दीज हैव इंडो स्केल्टन इनसाइड द बॉडी कंप्राइजिंग ऑफ बोन्स एंड कर्टिलेज। तो इनके अंदर क्या होता है, इनके इंडो स्केल्टन क्या हो गया, अंतःकंकाल जो शरीर के अंदर है, उनका तो बाहर था, जैसे क्रैब्स और अदर इंसेक्ट है उनका तो कंकाल बाहर होता है, उनको बहिकंकाल कहते हैं, और जिसका कंकाल अंदर होता है, ठीक है, सारे ऑर्गेन्स कंकाल में ही रहते हैं, तो उनको इंडोस्केल्टन कहते हैं, अंतःकंकाल कहते हैं। ठीक है, तो यही कह रहे हैं इसमें, कंप्राइजिंग और बोन्स एंड कर्टिलेज। तो इनके अंदर क्या क्या शामिल, तो इनके अंदर बोन्स भी होती हैं और कर्टिलेट्स भी होती हैं, कर्टिलेज उपस्थि भी शामिल होती है। दियर बॉडीज हैव ए मस्कुलर सिस्टम दैट इनेबल्स मूवमेंट एंड लोकोमोशन बाय मेकिंग द बोन्स मूव। तो इनके जो बॉडी होती है, बॉडी का जो मस्कुलर सिस्टम इस तरह से इनेबल होता है, उपयुक्त तो होता है कि ये इनके अपना जो हड्डी होगी, ठीक है, इसे किस डायरेक्शन में मूवमेंट कराना है, ठीक है, इस तरह से इनको उपयुक्त होता है, मतलब ये अपने आप को इस तरह से बना लेते हैं कि जिस डायरेक्शन में इनको अगर चाहिए, ठीक है, इनको अगर जिस डायरेक्शन में मूवमेंट कराना है तो वो करा लेते हैं, ठीक है, उपयुक्त होते हैं इस तरह से। फिश लिव्स इन वाटर एंड स्विम विद द हेल्प ऑफ फिन्स एंड टेल्स। तो इसमें कह रहे हैं कि जो फिश होती है पानी में होती है, ठीक है, पानी में रहती है, वहाँ पे अपने पंख के सहायता से ही वो तैरती है, और उसकी पूंछ होती है। द एम्फीबियंस सच एज फ्रॉग कैन लिव इन वाटर एंड लर्न। तो एम्फीबियंस उभयचर होता है, जो कि पानी में भी पाया जाता है और ज़मीन पर भी पाया जाता है,
तो ये मेढक होता है। दियर हिंड लिम्स हैव वेब्ड फीट, जो इसका पिछला वाला भाग होता है, जिसके पैर होते हैं पिछले भाग पे जो पैर होते हैं वो गद्दीदार होते हैं, ठीक है। वेब्ड फीट यानी जालीदार, जो कि पानी पर भी हो सके या वो लैंड पर भी हो सके, ज़मीन पर भी हो सके। विच असिस्ट इन स्विमिंग, जिसकी सहायता से वो तैरता भी है। बर्ड्स कैन फ्लाई इन द एयर एज वेल एज वॉक ऑन ग्राउंड। बर्ड्स क्या होती हैं, ये जिस तरह से हवा में उड़ सकती हैं उसी तरह सेम ये ज़मीन पर भी उड़ सकती हैं। दे हैव दियर फोर लिम्स मॉडिफाइड फॉर द पर्पज ऑफ फ्लाइंग। इनके पास भी फोर लिम्स होता है, मतलब अंग होते हैं जिसके बने होते हैं इस तरह, जिसका पर्पस क्या होता है, ये आकाश में भी उड़ सकते हैं, ज़मीन पर भी ये उसी तरह से ही ये मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, पार्ट थ्री वीडियो था ये, आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। इस टॉपिक में मस्कुलर सिस्टम और लोकोमोशन इन एनिमल्स के में जो भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी आप हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच।